कहां पीएसी जवानों पर चढ़ा कैंटर, ममता बनर्जी ने किसको चोर डकैत बताया और राम मंदिर के चंदे पर कांग्रेस विधायक का शर्मनाक बयान क्यों। प्रदेश से जुड़ी खबरें देखिए टॉप नाइन राज्य। यूपी के बुलंदशहर में किसानों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर एक कैंटर ने पीएसी के जवानों को रौंद दिया। इस हादसे में गाजियाबाद के रहने वाले पीएसी 38 बटालियन के दो जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। इस हादसे की वजह से पुलिस महकमे में मातम छाया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने एक ठेकेदार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हवाई फायरिंग की। दबंगों ने ठेकेदार को जमकर पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया है। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक फार्मा स्टोर और नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर तक देखी गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए देश भर में चल रहे डोनेशन अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ सीट से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया है। एमएलए ने कहा है कि भाजपा नेता राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं। मंदिर बनाना इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे, वो सर भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि चोर डकैत अपनी संपत्ति बचाने के लिए टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवा रहे हैं। इस बार मैं उन लोगों की जगह अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारूंगी, जिन्हें जनता भी स्वीकार करेगी। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में माथापच्ची जारी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई। बिहार में नई सरकार का गठन बीते 16 नवंबर को हुआ था। अभी तक सरकार का कामकाज 14 मंत्री ही देख रहे हैं। बीजेपी की चिंता जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही तकरार को लेकर भी है। महाराष्ट्र में पोलियो अभियान के तहत बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल हेल्थ कर्मी ने पोलियो ड्रॉप की जगह 12 बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। बड़ी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और आशा वर्कर सस्पेंड कर दिए गए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में कई दिन से लापता युवक का शव नाले में मिलने के बाद गांव के लोगों ने शव को पुलिस स्टेशन के बाहर रखकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें डांटकर भगा दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रशासन ने एक फर्जी सोसाइटी बैंक का भंडाफोड़ किया है। दो कमरों के इस फर्जी बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, कार लोन व होम फाइनेंस के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। प्रशासन ने यहां दस्तावेज जब्त कर फर्जी बैंक को सील कर दिया है।